हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रीति आज आपके लिए लेके आई हूँ कि आप घर पे आपके अनचाहे बालों को किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि इंस्टेंटली आप किस तरीके से रिमूव कर पाओगे। अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आपके अनचाहे बाल बड़े हो गए हैं और वो दिखने लग गए हैं, तो आप अपने हाथों से घर पर आसान तरीके से 5 मिनट में इसे रिमूव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अनचाहे बाल रिमूव कर सकते हो वीट वैक्स से। दोस्तों ये मेरे पास ये वीट वैक्स है, ये बॉडी वैक्सिंग किट है जिससे आप अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव कर पाएंगे। इससे आप अपने बॉडी वैक्सिंग भी कर सकते हैं, आपके अनवांटेड हेयर्स को भी रिमूव कर सकते हैं। चलिए पहले मैं इसका छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ आपको। ये मेरे पास वीट की फुल वैक्सिंग किट है जिसमें आपको 20 स्ट्रिप्स मिलती हैं। इस तरीके की स्ट्रिप्स होती हैं, इसमें इस तरीके की आपको 20 मिल जाएंगी और उसके बाद इसमें आपको क्लीन करने के लिए ये आपको टिश्यू मिल जाएगा। ये वेट टिश्यू है जिससे आप वैक्स करने के बाद आप उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हो। उसके बाद ये कोल्ड वैक्स है, इसको आपको थोड़ा सा रब करना है। उसके बाद अपने स्किन पे अप्लाई करके उसको जिस तरीके से वैक्स करते हैं उस तरीके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको खींच देना है। और ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा और आपको किसी स्टोर पे भी आसानी से मिल जाएगा। मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगाया है, आप इसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। और इसकी प्राइस दोस्तों है 199 रुपीज़। आपको ये 199 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इसे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इस वैक्स स्ट्रिप से कैसे आपके अनचाहे बालों को इंस्टेंटली रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको यूज़ करना है। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। अनवांटेड फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ये वीट स्ट्रिप और सीजर, और आपको कोई भी पाउडर चल जाएगा। मैंने यहाँ पे जॉनसन्स का बेबी पाउडर लिया है। आप कोई भी घर पे जो भी अवेलेबल है आप वो पाउडर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपर लिप्स के हेयर्स रिमूव करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मेरे बहुत ज़्यादा अपर लिप्स में हेयर्स हैं। मैं आज आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से आपको इससे रिमूव करना है। सबसे पहले हमें ये स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप को आपको थोड़ा सा पतले में कट कर लेना है, जितना आप अपने लिप्स पे अप्लाई कर सके। तो ये मेरे पास ऑलरेडी थोड़ी सी कट की हुई है, मैं इसको अच्छे से पतले में कट कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैं पतला सा कट कर लूँगी स्ट्रिप। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने स्ट्रिप को कट कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया है कोल्ड वैक्स है, तो इसको हमें अपने हथेली पे अच्छे से रब कर, आपको ये स्ट्रिप है उसको आपको अपने हथेली पे इस तरीके से रखना है। इसको 1 से 2 मिनट तक आपको इसे गर्म करना है, इस तरीके से आपको रब करना है। 1 मिनट तक इसको रब करने के बाद आपको इसे रिमूव करके आपको इसे अप्लाई करना है। ऐसा करने से दोस्तों ये कोल्ड वैक्स है, ये अंदर जो वैक्स है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा और आपके जो फेशियल हेयर हैं और अनवांटेड फेशियल हेयर हैं वो रिमूव करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने रब कर लूँगी, उसके बाद इसको मैं कर लूँगी रिमूव। ये देखिए इस तरीके से होता है, इसको हमें कर लेना है अच्छे से इस तरीके से रिमूव। इस तरीके से रिमूव कर लेना है। उससे पहले दोस्तों आपको अपने जो जहाँ पे आप रिमूव करना चाहते हो उसे आपको लेना है थोड़ा सा पाउडर, आपको हल्के हाथों से इस तरीके से अप्लाई करना है जो कि आपके जो हेयर्स हैं वो आपको दिखे। मैंने इस तरीके से पूरा अप्लाई कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको जो स्ट्रिप से किस तरीके से आपको हेयर रिमूव करना है। ये मैं आप इस तरीके से अप्लाई करूँगी यहाँ पे और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको खींचना है। तो ये देखिए, ये स्ट्रिप है, इस तरीके से मैं इसे रख लूँगी। इसको आपको लगाने के बाद 1 सेकेंड इस तरीके से रब करें और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको इसे खींचना है। जैसे आपके हेयर्स इस तरफ हैं तो आपको ऑपोजिट खींचना, अगर इधर करते हो तो इस तरीके से खींचना है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसे अप्लाई किया है। मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक रब भी कर लिया है। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से पकड़ूंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको खींचना है।
ये देख सकते हो दोस्तों, एक बार में ही, अगर आपको दिख रहा है तो दोस्तों ये एक बार में ही क्लीन हो जाता है। इसको ही आपको अब ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है और इस तरीके से आपको थोड़ा सा रब करना है। अब इसको आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। ये देखिए, अब देख सकते हैं इसमें हेयर्स आ गए हैं और इसको आप दो तीन बार यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे कर लीजिए, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो ये अपर लिप्स के हेयर्स हैं वो अच्छे से रिमूव हो गए हैं। अगर आपको लगता है कहीं रह गए हैं तो आप इसको इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिमूव कर लें। इस स्ट्रिप को आप दो से तीन बार तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार यूज़ करके फेंक देना, आप इसको पूरा अपर लिप्स पूरे इतने छोटी सी स्ट्रिप से कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद हमारे पास है ये टिश्यू पेपर, इसे हमें इसे वाइप करना है। ये मुझे इस तरीके से टिश्यू मिला है, वेट टिश्यू, इससे मैं क्लीन कर लूँगी। आप देख सकते हो पूरा वैक्स मेरे अपर लिप्स पे इस तरीके से लगा है। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये दोस्तों अच्छे से क्लीन हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको एलोवेरा जेल लेना है, थोड़ा सा आपको अपने हाथ में लेके अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है अपने इधर, जहाँ के भी आप हेयर्स निकालते हो, अनवांटेड फेशियल हेयर जो रिमूव करते हो। आप इसे अपर लिप्स के भी रिमूव कर सकते हो, यहाँ के रिमूव कर सकते हो, अपने फोरहेड पे रिमूव कर सकते हो। आप चाहो तो इससे अपने आईब्रोज को भी सेट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इसके लिए आप बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आईब्रो यहाँ अगर ख़राब हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इससे अगर आप कर सकते हो तो ही अपनी आईब्रो सेट करें, नहीं तो ना करें। इस तरीके से आपको एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेना है। बस इस तरीके से आप कर सकते हो, इंस्टेंटली अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हो दोस्तों। तो आप चाहो तो एक बार ऐसे ट्राई करना और अपना फीडबैक मुझे शेयर करना कि आपको ये फेशियल हेयर रिमूव हुए कि नहीं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बाय, थैंक यू सो मच।